हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और मार्केट अपडेट का वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा आज के मार्केट में कैसा मूव था, किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्यूसडे को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आज ओवरऑल लूजर्स गेनर्स क्या थे। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट हाई पे बंद नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। हमने आज पुराना हाई ऑलमोस्ट टच किया और उसके बाद सेलिंग आई है लास्ट में, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं था सेलिंग का। यूएस फ्यूचर अभी भी ऊपर था, फिर भी हमारे मार्केट में हाई लेवल पे सस्टेनेंस नहीं आया। इसका मतलब है लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है हाई लेवल पे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम देखेंगे कि जो सेक्टोरियल एनालिसिस जब हम करेंगे तो रिलायंस और ऑयल एंड गैस, तो ये दो सेक्टर को छोड़ के ओवरऑल मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं था। बैंकिंग फाइनेंशियल सभी ऑलमोस्ट फ्लैट थे, ऑटो भी फ्लैट था। इनफैक्ट मारुति जैसे स्टॉक्स में सेलिंग आई, आयशर मोटर मारुति में, लेकिन फिर भी सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव में था, मतलब बैलेंसिंग थी। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है उन शेयर्स में जो ऑलरेडी रैली कर चुके थे। टाटा मोटर जैसा शेयर अगर आप हमारा चैनल लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमने रिकमेंड किया था 112 पे, टारगेट था 119 और फिर 117 के आसपास फिर हमने बोला था कि ये हमको लगता है कि 120 ब्रेक करके 140 तक जाएगा मीडियम टर्म में, और आज 125 का लेवल भी ऑलमोस्ट टच किया है इसने। तो ये ओवरऑल कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर हम हाई पे क्लोज नहीं हो पा रहे हैं मतलब ब्रेकआउट के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था ओवरऑल मैक्रो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मैंने यही कहा था कि एक और अटेम्प्ट ग्लोबल मार्केट मारेगा, वो आखिरी अटेम्प्ट होगा, वो हमको बिलीव करवाने की कोशिश करेगा एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अब उतना स्ट्रांग नहीं है। पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रांग पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं है हर स्टॉक और हर सेक्टर की तरफ से, और बैंकिंग और फाइनेंशियल में अभी भी वीकनेस है, कोई बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। आज भी बैंकिंग स्टॉक आप देखेंगे तो हाई से काफ़ी नीचे बंद हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गेनर्स के बारे में। तो सिप्ला फार्मा में अच्छी खासी रैली आई, अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं फार्मा में हम हमेशा से बुलिश थे। सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, ओरो फार्मा, इन सभी पे हमने बाय दिया था। ऑलमोस्ट सन फार्मा हमने दिया था 480 के आसपास, ओरो फार्मा अगर आपने मेरा लाइव देखा है तो हमने 850 के आसपास बाय दिया था, आज 960 तक गया है ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल ये सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10-10, 15-15% ऊपर ऑलरेडी हैं। अब यहाँ से और बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन आप अभी अब घुसेंगे तो आप लेट कमर कहलाएंगे, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके घुसिए, मेरे कहने पे नहीं। मैं सिर्फ अपना व्यू देता हूँ, आपको डिसीजन और अपने डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी पड़ेगी, वरना ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है लोगों में कि यार गलत हुआ तो सामने वाले का, अच्छा हुआ तो मेरा। तो यहाँ पे आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कोई नहीं यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी को आपकी तारीफ नहीं चाहिए, लेकिन आप डिसीजन लीजिए, आप उसको मैनेज करिए। और मेरे हिसाब से फार्मा स्टॉक्स में अभी रैली बाकी है, लेकिन आप चेज मत करिए, ऊपर जाते हुए स्टॉक को मत दौड़िए पीछे, डिप आए तो उसमें बाय करिए और डिप आए तो और बाय करिए, एक साथ पूरा पैसा कमिट मत करिए, तो ये तरीका होना चाहिए। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं 4% ऊपर था, सन फार्मा ऑलमोस्ट 3.5% था, टेक महिंद्रा ये एक थोड़ा सरप्राइजिंग हो रहा है कि टेक महिंद्रा में अच्छा खासा मूव है, लेकिन अभी भी मैं में बुलिश नहीं होऊंगा क्योंकि आईटी सेक्टर में ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो ये ओवरबॉट रेंज में ही है, तो बहुत हाई लेवल यहां से नहीं दिखेंगे अभी हमें। और अगर आप देखेंगे यहां पे तो एसबीआई में बाउंस आया है, और उसके अलावा आईसीआईसी बैंक में भी आप देखेंगे थोड़ा बाउंस आया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लूजर्स के बारे में। तो जो लूजर्स थे ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स थे जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, रिलायंस आज इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। कल हमने बात भी की थी कि 2170 के आसपास जाता है, वहाँ पे सेल करिए, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओवरऑल डिपानी चाहिए। 2110 के टारगेट्स हमने बात भी की थी, और 2110 अगर टूटता है तो ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज़ का और डिप यहाँ पे आ सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। और AGR का जो वर्डिक्ट था उसको फिर से 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, तो अभी भी फिर से ये पेंडिंग हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ना कोई ब्रेकडाउन होने वाला है ना कोई ब्रेकआउट होने वाला है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे ही हम डिपेंड करेंगे कि क्या होने वाला है इस मार्केट में। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स यूएस का ऊपर चल रहा है करंटली, लेकिन नैसडैक जो टेक सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। फ्राइडे को भी टेक सेक्टर ने काफ़ी बड़ा डिप मारा था, ऑलमोस्ट एक टाइम पे 2% डाउन था, तो इस पे नज़र रखिए, टेक सेक्टर में वीकनेस आ सकती है। ट्रंप ने चाइना की टेक कंपनीज पे जो एक्शन लिया है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, और टेक सेक्टर में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रखिए। करंटली यूएस जो नैसडैक है उसके बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली राइट नाउ यू हैव टू बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना है। इंडिया में जो भी टेक सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे आईटी कंपनीज हैं, और आपका रिलायंस भी काफ़ी कुछ टेक में आ चुका है, तो रिलायंस में भी इसीलिए उस टाइप का मूवमेंट आपको दिखेगा। जब भी टेक गिरेगा तो मुझे लगता है रिलायंस, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में बहुत अपसाइड नहीं दिखेगा आपको, तो इस पर नज़र रखिए। यूएस फ्यूचर ओवरऑल बहुत ऊपर नहीं है, और
जब ये खुलता है उसके बाद नज़र रखिए कि किस लेवल को ये ब्रेकआउट करता है। ओवरऑल यूएस जो 30 है, डाउ जोन्स है 27,425 के आसपास है। ऑलरेडी मैंने बात की थी कि 27,700 जो इसका रीसेंट हाई था उसको ये टेस्ट करेगा और वहाँ के बाद इसको एक फॉल देना चाहिए क्योंकि नैसडेक ऑलरेडी वीकनेस दिखाने लगा है। तो ये स्ट्रक्चर यूएस मार्केट में मैं देख रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट में यहाँ पर बात करूँगा, वो है यूएस डॉलर का। तो अगर आप यूएस डॉलर में बात करेंगे तो यहाँ पर यूएस डॉलर आप देख सकते हैं, ये वही टाइम है जब कोरोना की न्यूज़ उड़ी थी, उसके बाद यूएस डॉलर पहले नीचे आया है, उसके बाद बहुत बड़ी रैली आई है और जब यूएस डॉलर ने यहाँ पे रैली मारी है, ऑलमोस्ट 10th ऑफ मार्च के आसपास रैली स्टार्ट हुई है, 103 तक गया है, ठीक है। और अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से बाउंस की उम्मीद है। और जब भी यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट्स में प्रेशर आएगा, इमर्जिंग मार्केट से पैसा वापस बाहर जाएगा और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब यूएस डॉलर गिर रहा था तो इमर्जिंग मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच नहीं रहे थे। अभी आप देखेंगे तो FIIs ने ज़्यादा बिकवाली नहीं की है और यही एक बहुत बड़ा ट्रिगर होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में मेरे हिसाब से कि अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 93-94 के आसपास और 92.4 से घूमा है यूएस डॉलर और यहाँ से जब घूमेगा तो आप देख सकते हैं एक दो हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा मूव आ सकता है। और ये मूव ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम आया था तो आप देख सकते हैं 88 से ऑलमोस्ट 4-5% का, तो करंट लेवल है 93, तो यहाँ से 96-97 तक भी हम जा सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा इसको वॉच आउट करिए। अगर डॉलर ऊपर की तरफ भागेगा तो इमर्जिंग मार्केट में FII सेलिंग फिर से आने लगेगी क्योंकि डॉलर ऑलरेडी बहुत वीक है, तो ये डॉलर वीक नहीं रह सकता। अगर यूएस इकोनॉमी को ये लोग स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं तो डॉलर को भी ऊपर लाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण गोल्ड भी ऊपर गया, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड नीचे आता है और ऑयल भी जो है नीचे आता है, और जो ऑयल ऊपर मेंटेन है उसका भी ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये इस पे नज़र रखिए, यूएस डॉलर 93.5 पे चल रहा है, अगर ये 94 क्रॉस कर जाता है तो बहुत बड़ी रैली 96-97 तक आ सकती है डॉलर में और इसके कारण इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में वीकनेस आ सकती है। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग और आपके इन्वेस्टमेंट में और आपके माइंडसेट इंप्रूवमेंट में। बहुत सारे लोग सोचते हैं टिप से पैसा बनता है, टिप से पैसा नहीं बनता, बनता है पैसा आपके दिमाग से। अगर मैं आपको एक टिप दे दूं और आप आज से पैसा कमा भी लोगे तो वो पैसा आप अगले एक हफ्ते में गवा दोगे क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपने गलती और अपनी मिस्टेक का दोष दुनिया को देते घूमते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ भूल गए कि सबसे बड़ा जो आपको ऊपर उठाने वाला और गिराने वाला एक ही आदमी है, वो आप खुद हैं। तो अगर आप आपको दोष देके आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, ना आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप अपनी गलती पहचानना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप उसको करेक्ट करके इम्प्रूव करके बेटर एक ट्रेडर और बेटर इंसान बन सकते हो। तो यही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का तरीका है, यही चीज़ मैं सिखाता हूँ अपने चैनल में। अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली स्टे लाइव ज्वाइन करिए और बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनको देखिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के इंडेक्स और स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे निफ्टी। निफ्टी ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी इसको नीचे से बार बार हिट करते हुए दोबारा से अपने हाई को टेस्ट कर लिया जिसने। अब इस हाई को टेस्ट करने के बाद क्या है, एक तरह से डबल टॉप का स्ट्रक्चर निफ्टी में बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट डबल टॉप है। आपका लो था ऑलमोस्ट 10,880 के आसपास, अब क्या होना चाहिए, अगर ये डबल टॉप स्ट्रक्चर है तो यहां से फिर से एक फॉल बनता है ऑलमोस्ट टिल 11,100। करंटली हम 11,270 पे हैं, तो 150 से 200 पॉइंट का डिप यहां पे आना चाहिए अगर ये स्ट्रक्चर वैलिड है। लेकिन उसका लेवल कौन सा होगा, ब्रेकडाउन पॉइंट होगा आपका 11,240। हम 270 पे बंद हुए हैं, किसी भी केस में 240 के नीचे अगर जाने लगता है निफ्टी तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनसाइड खुल जाएगा क्योंकि ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हो सकता है ये इनवैलिडेट कर दे, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन 240 के नीचे शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और किसी भी केस में अगर 330 के ऊपर जाता है, कोई पॉजिटिव मूव आता है ग्लोबल मार्केट्स में, तो वो एक ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर करीब 300 पॉइंट अपसाइड खुल जाएगा। 300 पॉइंट, मैं रिपीट करता हूँ, 11,650 तक का अपसाइड खुल जाएगा अगर हम एक बार 11,400 के लेवल को भी ब्रेक कर जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस पे नज़र रखिए और 11,240 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से कोशिश कर रहा है मार्केट ऊपर जाने की, लोज थोड़े हाई पे जा रहे हैं लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये 21,800 पे करंटली है, हमारा इंपॉर्टेंट अब लेवल आ रहा है 21,600। किसी भी केस में 21,600 का एरिया अगर टूटे
ऑलमोस्ट 600-700, तो ये एक फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। आप देख सकते हैं कोशिश की इसने उठने की, लेकिन एक झटके में इसने ब्रेकडाउन किया। तो ये कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर दोबारा से इसने ब्रेकडाउन किया तो इस ब्रेकडाउन पॉइंट के नीचे आपको ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट मिलेगा। तो अगर ये ब्रेकडाउन पॉइंट फिर से हुआ तो इसके बाद भी आपको 700 से 1000 पॉइंट मिलना चाहिए डाउन साइड में, तो उसके लिए तैयार रहिए। ओवरऑल ये रेंज में है अभी करंटली, इन अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा 22,200 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आपका है 21,650 के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक के बारे में बात करेंगे। तो इंडसइंड बैंक ने एक ट्रेंड में था, ओवरऑल लग रहा था कि ये सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इसने आज दिखाया कि ये ब्रेकआउट टाइप से फिर से दिखा रहा है, छोटा ब्रेकआउट है, लेकिन अगर ये इसी एरिया में रहता है, अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट कर सकता है 530 का फिर से। तो 505 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 505 का लेवल अगर तोड़ के फिर नीचे चला जाए तो आपके लेवल्स जो आएंगे वो आएंगे 497 और उसके नीचे आपका आ सकता है 490 तक। तो ये आपका इंडसइंड बैंक में व्यू मेरा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है समहाउ सर्वाइव करने की, नीचे ना ब्रेक डाउन ना करे उसके लिए। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर वीक है जैसे मैंने कहा, और वीक रहने वाला है, और 429 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बंद हुए हैं ऑलमोस्ट उसके पास में। 429 अगर ब्रेक करे तो आप इसको शॉर्ट करिए, आपका टारगेट होना चाहिए 416-417 तक का डिप आ सकता है। तो ये एक ट्रेड बन सकती है एक्सिस बैंक में। ओवरऑल अगर इसके नीचे ना आए 429 के, तो यहाँ से फिर से बाउंस होके हम 446 तक का अपसाइड देख सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरीके के मूव आते हैं करंट लेवल से। अगर पॉजिटिव मूव आते हैं तो आप लॉन्ग करिए और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 428 के आसपास, और अगर ये 428 को ब्रेक कर जाए तो 432 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करके आप 419-418 तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की ट्रेड अभी बहुत सारे लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इन्फोसिस के लिए कोई ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है, अपसाइड में आपका 964 लेवल है, मिले तो सेल करिए, और डाउनसाइड में आपका 924 है, ये लेवल मिले तो यहाँ पे एक बार और बाउंस आएगा। लेकिन 924 जब आप बाउंस के लिए यहाँ पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रखिए 915 का। अगर यहाँ पे आपको हिट हो जाए तो फिर शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद इसको कोई नहीं बचाएगा। तो ये करंटली इन्फोसिस में इस टाइप का ट्रेंड बन रहा है। और हम बात कर लेते हैं आखिरी स्टॉक की, जो है आपका बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस ने ऑलमोस्ट डबल टॉप बना लिया है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में भी बात की थी, तो डबल टॉप ऑलमोस्ट 3550 के आसपास। अब यहाँ से काफ़ी नीचे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी बहुत नीचे बंद नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है इस स्टॉक का अपसाइड ऑलमोस्ट डन हो, क्योंकि अगर हम इस लेवल को 3415 के लेवल, जो पुराना हाई था, इस पर हमने सपोर्ट लिया है, किसी भी केस में अगर ये 3415-3400 का लेवल टूटे, अगर 3400 का लेवल टूटे तो शॉर्ट करिए, आपका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का, क्योंकि हम इस लेवल पे ब्रेक डाउन अगर होगा तो छोटा नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी शार्प होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।